जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला अब शुरू हो चुका है और रोहित शर्मा, जॉस बटलर रॉस बाउल स्टेडियम पर अपनी टीमें लेकर बीच मैदान पर उतर चुके हैं। आखिरकार दोनों ही टीमें जब मैदान पर उतरी तो अब क्या चल रही है इस मैच की पूरी लाइव अपडेट, किसने बना लिए हैं, कितने रन, कौन सी उतरी है टीम, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड की टीम में से पहला T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप भी भारतीय टीम की जीत चाहते हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेजबान इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच गुरुवार से T20 सीरीज का आज आगाज हो चुका है, जहाँ 3 T20 मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला साउथैम्पटन में खेला जा रहा है। तो वही दोस्तों, एजबस्टन टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया अब सीमित ओवर क्रिकेट सीरीज में इंग्लैंड से बदला लेना चाहेगी, जहाँ टीम इंडिया की अगुवाई एक बार फिर से रोहित शर्मा करते हुए नजर आएंगे, जो कि इस महामारी के चलते टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। हालांकि दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला की शनिवार और रविवार को दोनों T20 बर्मिंगम में खेला जाएगा। तो वहीं दोस्तों, इस T20 सीरीज को अगर भारत को अपने नाम करना है तो पहले ही T20 मुकाबले से भारतीय टीम को जीत अर्जित करते हुए चलना होगा, जहां रोहित शर्मा भी इसी की तलाश में। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला आप सभी लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकोगे और अगर आप सभी मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इस मैच की सोनी लिव ऐप पर दिखाई जाएगी। हालांकि दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में अब भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड की ही सरजमी पर हराकर एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए आज मैदान पर उतरी। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम ने T20 सीरीज में हमेशा ही इंग्लैंड जैसी टीमों को कड़ी चुनौती दी है और अब रोहित शर्मा की वापसी के बाद टीम इंडिया और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें इस मुकाबले की, दोस्तों इंग्लैंड की टीम इस समय एक नए कोच ब्रेंडन मैकुलम की अगुवाई में मैदान पर है और वे पहली बार T20 सीरीज में मैकुलम की अगुवाई में खेलने उतरेंगे। हालांकि टीम में जॉनी बेस्ट्रो से लेकर जॉस बटलर, जो रूट तक तमाम धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज के नतीजे से काफी हद तक भारतीय टीम को आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें इस पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की, तो दोस्तों भारतीय टीम में जिन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है पहले T20 मैच के लिए, उसमें रोहित शर्मा हम सभी को कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि विश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक को मौका दिया जाना तय माना जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, दूसरे और T20 के लिए एक अलग टीम का ऐलान BCCI ने खुद किया था। हालांकि ये टीम देखने में ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में जीत अर्जित कर लेगी। बाकी अब आप सभी की क्या राय है इस पहले T20 मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम पहला T20 मैच जीतेगी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।